इस यंत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र के रक्षकों, मैं तो निकल जाऊंगा लेकिन तुम लोग यहीं फंस जाओगे इन खतरनाक डायनोसर्स के साथ। गुस्से से घूर क्यों रही है? हाँ बॉस, हम तो छोटू के दोस्त हैं ना। वो ये नहीं जानती, शायद नहीं लगते कि हम छोटू को चोट पहुंचाने आए हैं। गया वो यंत्र, वशबंद होने वाला है, मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना चाहिए। जब मैं बोलूं तो कूदने के लिए तैयार है ना? एक, दो, कूदो। कवच बंद होने से पहले उसे निकलना होगा। कवच तो बंद हो गया, अब हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस गए। हाँ बस, हम हमेशा के लिए डायनासोर लोग में फंस गए। बॉस, छोटू की मम्मी ना हमें खाई गई होती। और मेरी ड्रेस भी गंदी हो गई। चुप, फिर से अपने ड्रेस को लेकर शुरू मत हो जा। दोस्तों, आज तो हम छोटू की मम्मी से बच गए, ना अगली बार तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगी। और छोटू की मम्मी बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बॉस, इतना खतरे का सामना करके भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया। हम जिसे फंसाने आए थे वो तो खुद हमें यहाँ पर फंसा कर चला गया। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है दोस्तों, हमें इस कवच को खोल के यहाँ से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए हमें ढूंढना होगा इस कवच के यंत्र को। चल। होगा कवच का वो यंत्र, वही है इस जानलेवा लोक से बाहर निकलने की चाबी। जब उस डायनोसर की मां ने मुझ पर वार किया था तो मैं पश्चिम दिशा में उड़ा था, मतलब
पश्चिम दिशा में ही यंत्र उड़कर गया होगा। मुझे किसी भी हाल में वो यंत्र ढूंढना होगा, किसी भी हाल में। दोस्तों संभल कर चलना। सोचो जिस डायनासोर के पैर के निशान इतने बड़े हैं, तो डायनासोर कितना बड़ा होगा। ओह माय गॉड, बॉस, मतलब छोटू की मम्मी से भी बड़ा। ओए, अगर जब डायनासोर इतना बड़ा होगा तो उसके दांत कितने बड़े होंगे, और उसका पेट, अरे उसका पेट तो इतना बड़ा होगा कि हम तीनों को एक साथ खा जाए। दिन में चंद से अंधेरा कैसे हो गया? अरे रुक्मिणी, किसको फोन लगा रही हो? वो चैटर्जी सर को। क्यों? उनको फोन लगाने की क्या जरूरत है रुक्मिणी? अरे आदित्य, ऐसे बिना खाए पिए कैसे वो बच्चों को वो स्पोर्ट्स डे की तैयारी के लिए ले जा सकते हैं? अगर पहले से बता दिया होता तो मैं कम से कम उनको टिफिन बनाकर दे देती ना। अगर रुक्मिणी की भोला सर से बात हो गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। रुक्मिणी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, इतना लाड़ प्यार दिखाओगी तो बिगड़ जाएंगे वो ना। पर आदित्य, खाना तो कम से कम बच्चों को मिलना चाहिए ना। अरे बाबा, यही तो उनके दिन है खेलने कूदने के, बिना टेंशन के, ना के माँ के पल्लू से बंधे रहने के। माँ, डुगू को होश आ गया? अरे नहीं, देखो ना, ये सुरमा अभी भी डर के मारे बेहोश ही पड़ा है। रुक, मेरे पास एक आइडिया है। बाल्टी भर के पानी इस पर दे मारती हूँ, तब ये उठेगा। जजन तम मंत्र, इच्छा पूर्तियम। चिल्लाने से मेरा सर फटा जा रहा है। अरे इसकी आवाज ही ऐसी है, अभी इसकी आवाज मुझे कर देती है। मुझे बंद कर, जैसे तब मैं जब एक छाप पूर्ति। वाह माँ, वाह, आज पहली बार आपका जादू सही समय पे काम आया। तुझे विश्व का ही दिख रहा है क्या? वो देख, मैं वहां। इसकी तो मैं ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे। जरूर मुझे उस उड़ने वाले ड्रैगन ने ना खाने के लिए बचा के रखा होगा। अब तेरा क्या होगा विशु? तुझे आज पे खाना नहीं मिलेगा, और फिर तू किसी का खाना बनेगा। भगवान, मेरा क्या होगा? इतने ऊपर हम विशु तक कैसे पहुंचेंगे बॉस? कैसे? डायनासोर नहीं है वो, तो एक 10 फीट बड़े डायनासोर की तस्वीर है। जो लोग इस लोक में पहले रहते होंगे ना, उन्होंने बनाई होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम विशु तक कैसे पहुंचे।
कितना असली लग रहा है। जो हमें कवच के यंत्र ढूंढते वक्त मिला था, वो फिर हमारे पीछे क्यों नहीं छोड़ रहा है? ये डायनासोर हमें ऊपर पहुंचाएगा। बॉस, वो तो मैं भी जानती हूँ। अगर इसने हमें खा लिया तो ऊपर ही पहुंचेंगे ना। अरे माया, भगवान वाला ऊपर नहीं, मैं तो विष्णु के पास वाला ऊपर बोल रहा हूँ। बॉस, तू पागल हो क्या? क्या कि डायनासोर है लिफ्ट नहीं? माया, तो हम इसको लिफ्ट की तरह यूज करेंगे ना? देख, मैं अपनी तलवार से इस पर वार करूंगा और डर के मारे क्यों कुछ बहुत जोर से लहराएगा और हमें सीधा वो विष्णु के पास पहुंचा देगा। ठीक है, अब यहीं पर खड़ी रहे। नहीं तो हम लोग सीधे उस डायनासोर के मुंह में जाकर गिरेंगे। वो थैंक गॉड बॉस, लगता है वो हमसे बोर हो गया, इसलिए वो चला गया। बाल बाल बच गए, अब उड़ने वाली मौत वापस है, उसके पहले बच लो यहाँ से। हाँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? और रुक्मिणी से भी हम कब तक सच छुपाएंगे माँ? नहीं बेटा, हमारे बच्चे बहुत होशियार और समझदार हैं, उन पर भरोसा रखो। देख लेना, वो लोग सब बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। डायनासोर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इस ताल को तोड़ना होगा। ओए, किसी बकवास आइडिया ये? और अगर ये ताल टूट गई तो हम सब मर जाएंगे। तू पागल हो गया कि हम खाई में गिर जाएंगे? हाँ, और साथ साथ ही डायनासोर भी गिर जाएगा। पर अभी ये उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते। वो वही तो, देख
जैसे ही हम नीचे उड़ना शुरू करेंगे हम इन डायनासोर के ना पैर पकड़ लेंगे और ये नीचे उड़ने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, रेडी? मैं डाल तोड़ने वाला हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चले। वो जहां भी रहे हमेशा उनकी रक्षा करना। चिल्लाना बंद कर, ये छोटू की मम्मी है और इन्होंने हमें बचा लिया। अरे अल्लाह, कितने प्यार से पकड़ा था, मेरी तो ऐसी गंदी नहीं हुई। हाँ, जैसे शेर अपने बच्चे को मुंह में उठाते बिना चोट पहुंचाए। बॉस, इसका मतलब छोटू की मम्मी अभी भी हमें दोस्त समझती है। ओए, जब इतना बड़ा डायनासोर हमारे दोस्तों, तो फिर डरने की क्या है बात। चलो अगर हमें इस लोक से जल्दी निकलना तो हमें जल्दी से सुरक्षा कवच का यंत्र ढूंढना होगा। कहाँ है वो यंत्र? इतना बड़ा पैर, इस डायनोसर का इतना बड़ा पैर होगा, वो कितना बड़ा होगा? जैसे मौत का अवतार। आदित्य, ये स्कूल वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं? बच्चों को इतनी देर तक कैसे रोक सकते हैं? चांद निकलने पे मुझे अहोई अष्टमी की पूजा करनी है और उस पूजा में बच्चों का होना जरूरी है। रुक्मिणी, बच्चे आ जाएंगे, अभी तो चांद निकलने में भी वक्त है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पूजा में कोई अड़चन नहीं आएगी। ये यंत्र मेरे हाथ में, और मैं किसी भी वक्त इस लोक को छोड़कर बाहर निकल सकता हूं। पर इससे पहले मैं अपने दिल की बड़ा शांत कर लूं। खाना बंदे।